अनलॉक वन में कोरोना का ब्रेक फेल, देश में 3 लाख के पार पहुंचे कोरोना केस, अब तक कुल 3,08,993 कोरोना केस। 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी, कोरोना के 11,458 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 386 लोगों की गई जान, देश में अब तक कोरोना से 8,884 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 7,135 लोगों ने कोरोना को दी मात, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। एक्टिव केस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की तादाद ज्यादा, 1,54,330 लोगों ने अब तक कोरोना से जीती जंग, देश में 1,45,789 एक्टिव केस। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 2,137 नए मामले, 36,824 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली रिकॉर्ड 71 लोगों की जान, अब तक 1,214 लोगों की हो चुकी है मौत। देश के श्रम मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना, 24 कर्मचारी निकले पॉजिटिव। श्रम मंत्रालय का दफ्तर 2 दिन के लिए किया गया बंद, पूरी तरह किया जाएगा सैनिटाइज। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मौजूद तीमारदारों का आरोप, मरीजों को ठीक से नहीं मिल रहा है इलाज। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बात, 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। 16 जून को प्रधानमंत्री पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से कर सकते हैं बात। 17 जून को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। देश में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर पंजाब ने बदली अपनी नीति, फिर सीमा सील। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल की हिदायत, मास्क और 2 गज की दूरी जैसी सावधानी का करें पालन। अमृतसर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वालों के काटे चालान। अमृतसर में बस स्टॉप पर सन्नाटा, आज यातायात बंद। भोपाल में भी वीकेंड लॉकडाउन का दिख रहा है असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। महाराष्ट्र में कोरोना फुल स्पीड में, 24 घंटे में 3,493 नए केस, 127 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना केस 1 लाख के पार, अब तक 3,717 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,366 नए मरीज बढ़े, 90 की मौत, अब तक मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 55,450 के पार। शहर में 2,044 मरीजों की मौत। मुंबई पुलिस में जारी है कोरोना का कहर, 2 दिन में सामने आए 120 नए मामले, 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित। अहमदाबाद बना कोरोना का डेथ स्पॉट, गुजरात में पिछले 1 हफ्ते में 309 मौत, अकेले अहमदाबाद में 250। बीते 10 दिनों में गुजरात में कोरोना से 309 लोगों ने दम तोड़ा, इनमें 250 मौतें सिर्फ अहमदाबाद। गुजरात में कोरोना के मामले 22,000 के पार, अब तक 1,385 मरीजों की मौत, करीब 15,000 मरीज स्वस्थ हुए। तमिलनाडु में कोरोना 40,000 के पार पहुंचा, 1 दिन में 1,982 नए केस दर्ज, अब तक 367 की मौत। देहरादून में पासिंग आउट परेड में पहुंचे थल सेना प्रमुख ने चीन से सीमा विवाद पर दिया जवाब, चीन से हर स्तर पर बातचीत जारी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिया भरोसा, चीन सीमा पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में, गलवान में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हैं। नेपाल और भारत के बीच ताजा घटनाक्रम पर आर्मी चीफ ने नेपाल से मजबूत रिश्तों का दिया हवाला। देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन, कोरोना के खतरे से पहली बार जवानों के परिजनों को परेड देखने की नहीं मिली इजाजत, देश को मिले 333 युवा सैन्य अधिकारी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली परेड की सलामी, अफगानिस्तान समेत 9 मित्र देशों के 90 नए सैन्य अधिकारी भी मिले।